उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल में पहुंचाया गया। बता दें कि कड़ी सुरक्षा के साथ नैनी जेल तक अतीक अहमद को लाया गया और अतीक के यहां पहुंचने से पहले ही जेल प्रशासन ने जेल के अंदर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त रखे और अतीक ने पहुंचते ही जेल प्रशासन को बेचैनी की बात कही, जिसके बाद प्रशासन ने उसका मेडिकल करवाया और इतना लंबा सफर तय करने के बाद उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी, जिसके बाद उनका मेडिकल करवाया गया और अतीक को नहलाया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि जेल प्रशासन की तरफ से उसे खाना दिया गया। और अब बता दें आपको कि अतीक अहमद के साथ उनका बेटा अली अहमद और भाई अशरफ भी इसी जेल में बंद है। साथ ही आपको बता दें कि अतीक की प्रयागराज की एमई एमएलए कोर्ट में पेशी होनी और कोर्ट ने पुलिस को अतीक को सुबह 11 बजे पेश करने के आदेश दिए, जिसके बाद ही पुलिस सोमवार को शाम अतीक को साबरमती जेल से लेकर नैनी जेल पहुंची है। बता दें कि 17 साल पहले यानी 25 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।